कोविड टाइम में ट्रैवलिंग इतनी भी इजी नहीं है जितना हम सोचते हैं, खासतौर पर ऐसी किसी भी जगह जहां कोविड के कारण ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन थोड़े ज्यादा है। ऐसी एक यात्रा हमने खूबसूरत अंडमान की करी, जहां हमने सनराइज सनसेट अंडर वाटर कोरल्स को देखना, मछलियों के साथ खेलना, फेमस काला पानी झील देखना जैसी काफी मस्ती करी। लेकिन यहाँ तक पहुँचना और यहाँ ट्रैवल करना हमारे लिए इतना भी इजी नहीं रहा। हमारी यात्रा कोलकाता एयरपोर्ट से स्टार्ट हुई। इस समय हम कलकत्ता एयरपोर्ट में हैं। यहाँ आइए देखें कोविड टाइम में हमें अंडमान जाने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बहुत मुश्किल हो रहा है कोविड के टाइम में। अब बोर्डिंग पास तो मैंने ले लिया है, इसके साथ साथ कोविड की रिपोर्ट भी लेके आनी पड़ी है, वो भी 48 आवर्स पहले। अगर आप बाहर से आ रहे हो, आपको फ्लाइट में जाने की परमिशन तभी मिलेगी जब आपके पास कोविड निगेटिव रिपोर्ट होगी। और ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका कोविड टेस्ट भी 48 आवर्स से पहले का नहीं होना चाहिए, वरना ये लोग फ्लाइट में एंट्री नहीं देते। जिसकी भी सीट फ्लाइट में बीच में होगी, ऐसे सभी यात्रियों को मास्क और फेस शील्ड के साथ साथ पीपीई किट भी पहननी पड़ेगी। खैर, ये सब फॉर्मेलिटी पूरी करके आप किसी तरह पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान तक पहुंच भी गए तो आपकी परेशानियां खत्म नहीं हो जाती। यहाँ पहुंचकर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म भरना होगा और आपकी कोविड निगेटिव की रिपोर्ट ऑनलाइन चेक होगी कि ओरिजिनल भी है या नहीं। अगर गलती से आप नकली रिपोर्ट बनवाकर यात्रा कर रहे होंगे तो आप पकड़े जाएंगे। अपने होटल पहुंचकर हम काफी रिलैक्स फील कर रहे थे कि हमें पता लगा कि यहाँ भी किसी भी आइलैंड जाने के लिए हमें डीसी ऑफिस में यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी और वो परमिशन भी इजीली नहीं मिल पाती। डीसी ऑफिस पहुंच गए हैं लेकिन यहां से भी बहुत मुश्किल है। अगर आज का मांग रहे हैं तो एक या दो दिन बाद ही हेडलॉक का आपको वो मिल पा रही है परमिशन, वो भी कंफर्म नहीं है। रात 8 बजे यहां पे लिस्ट लगती है, उसके बाद ही कंफर्म होता है कि आपका नाम आया या नहीं। ऐसे में टूरिस्ट जो भी इस समय आ रहे हैं कोविड के टाइम में, उनके लिए दिक्कतें दिन ब दिन अंडमान निकोबार प्रशासन के द्वारा बढ़ती ही जा रही हैं। टूरिस्टों के लिए बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। सिंगल आ रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन फैमिली के साथ आप 2 या 4 दिन के लिए आ रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हम डीसी ऑफिस आ चुके हैं, आप देख सकते होंगे लोगों की काफ़ी भीड़, अभी से काफ़ी भीड़ आ चुकी है लोगों की। हम भी डीसी ऑफिस पहुंच चुके हैं। अब सुबह का हमारा 11 बजे का है, उसके लिए 8 बजे यहाँ लिस्ट लगनी थी। नॉर्मल डेज में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कोविड के टाइम में ये प्रॉब्लम आ रही है कि पहले इनसे परमिशन लो, वो भी 1-2 दिन पहले आप एप्लीकेशन या आपका फॉर्म भरो, उसके बाद काम हो पाता है। इसलिए बहुत मुश्किल है इन दिनों यहाँ पर फैमिली के साथ आना, क्योंकि अब रात में आए हैं 8 बजे और ये देख रहे हैं कि लिस्ट में हमारा नाम है या नहीं है हेडलॉक जाने के लिए। इसलिए मेरा यही कहना होगा कि आप अवॉइड करें फैमिली के साथ इन दिनों आना, और अगर आना भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा डेज के लिए अपना प्रोग्राम बना के आए। अब मैंने कल फॉर्म जमा किया है, अब कल सुबह 11 बजे का है। अब देखते हैं, अभी लिस्ट लगेगी 8 बजे कि डीसी ऑफिस से मुझे जाने की परमिशन मिली है या नहीं। चलिए लिस्ट का वेट करता हूँ। कई लिस्ट को देखने के बाद हमें अपनी लिस्ट भी मिल गई है और थैंक गॉड कि हमारा नाम इस लिस्ट में आ गया। अब जहां से हमारा शिप चलना है यहां भी काफी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ी, और यहां भी अपनी कोविड की रिपोर्ट दिखाकर एक नया फॉर्म भरकर लाइनों में लगकर टिकट लेने के बाद हमें शिप में जाने की परमिशन मिल गई है। हेलो आइलैंड पहुंचने पर पता चला कि अभी वापसी की परमिशन लेने के लिए हमें फिर यहां के गवर्नमेंट ऑफिस में फॉर्म भरना होगा। 10 बजे की शिफ्ट के लिए हमें उसी सुबह 5:30 बजे लिस्ट देखने को कहा गया था, और दुर्भाग्यवश इस बार हमारा नाम इस लिस्ट में नहीं आया। इस समय बहुत परेशान हो गए हैं क्योंकि अगले दिन ही हमारी पोर्ट ब्लेयर से वापसी की फ्लाइट है। इंक्वायरी करने पर अभी पता लगा है कि अगर शिफ्ट में जगह होगी तो हमें उसी टाइम टिकट बना दिया जाएगा। और भी बहुत से लोग यहाँ पे हमारी तरह ही लाइनों में लगे हुए हैं, इनकी भी कल पोर्ट ब्लेयर से ही अपने डेस्टिनेशन की फ्लाइट्स हैं। फिलहाल 2 घंटे लाइनों में लगने के बाद हमें एक पेपर टिकट दे दिया गया और इस तरह हमें वापस जाने की परमिशन मिल गई है।
पोर्टवेयर एयरपोर्ट पर भी हमें एयरपोर्ट में एंट्री बहुत मुश्किल से मिली क्योंकि मोबाइल नेटवर्क की कमी थी वहाँ पोर्टवेयर में, जिसके कारण हम ऑनलाइन चेक इन नहीं कर पाए। और इस तरह कुछ खट्टे मीठे अनुभवों के साथ हम वापस कोलकाता एयरपोर्ट पहुंच पाए। दोस्तों, अंडमान की अलग अलग खूबसूरत लोकेशंस की पूरी व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।